फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मगध बिहार। आज हम लोग करंट अफेयर को शुरू करने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में करंट अफेयर का आज फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि कल के न्यूज में आया, मोदी जी हमारे जो लेवल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहे हैं कि लॉकडाउन 2.0 का ऐलान हो चुका है। लॉकडाउन 2.0 क्यों लगा? क्योंकि बहुत से देशों में कोरोना वायरस अभी तक कंट्रोल में है और हमारे भारत में भी कंट्रोल में हुआ है। तो इस कंट्रोल के कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए लॉकडाउन 2.0 को लगाया गया। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज कि जो लॉकडाउन फर्स्ट था वो 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था, बट बढ़ रहे कोरोना के इफेक्ट की वजह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका डेट को एक्सटेंड किया, जो कि अब हो गया है 15 अप्रैल से 3 मई तक, और ये तकरीबन 19 दिनों तक 19 डेज का लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है। अब हम लोग देखते हैं बर्लोमीटर के रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना वायरस होने पे डेथ रेट क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एज ग्रुप की हम लोग बात करें और डेथ रेट, जो इसको हम लोग मृत्यु दर बोलते हैं, जो कंफर्म्ड केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा, डेथ रेट जो ऑल केसेस में हमको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला है एज ग्रुप 80 साल से लेकर के 80 साल से ज्यादा वाले तक का जो डेथ रेट हुआ कोरोना की वजह से, वो 21.9% वो कंफर्म डेथ हुआ है। और बाकी दूसरे केस में भी ये 14.8% हो सकता है। सेकंड जो एज ग्रुप है वो हमारा है 70 साल से 79 साल, यानी 79 इयर्स तक में डेथ रेट अकॉर्डिंग टू एज पर द कोरोना नील है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ऐसे केस में डेथ रेट 8.0% हो सकता है। मतलब कि जितने भी डेथ रेट हुआ है, जैसे कि हमने देखा, न्यूज में भी देखे हम लोग, इटली, स्पेन, फ्रांस, इन सब देशों में मोस्टली जो वहाँ के पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन ज्यादा है, और इस वजह से उनका जो एज ग्रुप है ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, और इस वजह से कोरोना की वजह से दोनों के डेथ रेट का जो परसेंटेज है कुछ ऐसा है। थर्ड जो एज ग्रुप है वो 60 इयर्स टू 69, मतलब 69 साल से 60 साल तक के एज ग्रुप के लोगों का जो है वो डेथ रेट क्या होने वाला है, 3.6%, यानी कि 60 साल से 69 साल वाले लोग 3.6 उसका डेथ रेट अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। थर्ड फोर्थ जो है 50 से 59 साल 52-59, जिसमें आपका जो है 1.3% डेथ रेट इसका बढ़ा हुआ है, 1.3 इसका हो गया है। तो चौथा कैटेगरी जो हुआ 50 से 59 साल वाले का, उसका डेथ रेट 1.3% है। फिफ्थ जो है 40 साल से लेकर के 49 साल तक, मतलब जो एज ग्रुप है 49 से 40 वाले का, उसका डेथ रेट 0.4% है। मतलब देखिए, 3.6 से लेकर के यहां तक का जो भी है परसेंटेज का, इसमें क्वारंटाइन करने पे, आइसोलेशन करने पे बचने के चांसेस हो सकते हैं, बट फिर भी ये हमारा डेथ रेट का बर्लोमीटर के अकॉर्डिंग ये हमारा रिपोर्ट है। सिक्स जो है वो है 10 साल से 30 साल तक की एज ग्रुप, यानी कि जो बच्चे 10 साल से लेकर के और जो मैच्योर हैं 30 इयर्स तक के, उनका जो डेथ रेट है वो 0.2% है। तो ये हमारा बर्लोमीटर का रिपोर्ट है, जो कोरोना की वजह से डेथ रेट में ऐसा फ्लक्चुएशन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड जो है सिमिलैरिटीज ऑफ कोरोना विद अदर डिजीजेस, कहने का मतलब कि यदि पहले से आपको कोई दूसरा बीमारी हो चुका है और आप कोरोना से इफेक्टेड होते हैं, तब जो है डेथ रेट के चांसेस, एक्सपेक्टेशन और कंफर्मेशन कितना हो सकता है। देखिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि पहले से हो रहे बीमारी से, जैसे यदि आपको
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो इसमें जो होगा आपका डेथ रेट जो होगा वो ऐसा होगा इस तरीके से। देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं कि जो आपके हार्ट से दिल से हृदय से रिलेटेड जो बीमारी होते हैं उसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। तो इसमें अभी तक जो कंफर्म डेथ हुआ है वो 13.2% है। और भी अगर कोई इंसान जिसको कोरोना इफेक्ट होता है और उनको पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का है बीमारी, तो उनका मरने का चांसेस 10.5% तक हो सकता है। दूसरा डायबिटीज, जिसको हम लोग मधुमेह या फिर चीनिया रोग कहते हैं, तो जो मर रहे हैं लोग डायबिटीज पेशेंट और कोरोना इफेक्टेड वो 9.2% है, लेकिन जिनको डायबिटीज हो रखा है और कोरोना इफेक्टेड होते हैं तो वो 7.3% वो है कि उनका जो सिचुएशन है वो डेथ रेट के इतना परसेंटेज तक वैरी करेगा। आगे क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज, यदि कोई सांस लेने का अस्थमा टीबी जैसा कोई बीमारी है तो उससे जो मरे हैं लोग वो 8% मरे हैं और मरने के चांसेस 6.3% है। फोर्थ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लोग एकदम एंग्री मूड में आ जाते हैं, तो जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है उन लोगों को हाइपरटेंशन होती है। तो बीपी हाई वाले पेशेंट जो मरे हैं उनका परसेंटेज 8.4 है, जो बीपी हाई के साथ साथ उनका कोरोना का इफेक्ट अटैक किया है, और जो मरने के चांसेस है वो 6.0 यानी कि 6% चांसेस है। यदि उनका हाइपरटेंशन होता है कोरोना से इफेक्टेड होते हैं तो 6% वाले लोग जो है वो डेथ रेट के कैटेगरी में चले जाएंगे। फोर्थ है, फिफ्थ है कैंसर, जिसको कर्क रोग बोलते हैं। तो कर्क रोग से और कोरोना से मिले हुए मरे हुए लोग उनका परसेंटेज 7.6 है, और यदि वो इफेक्टेड होते हैं कोरोना के साथ तो 5.6% तक के चांसेज है उनके मरने का। यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई भी बीमारी नहीं है तो उनका डेथ रेट अभी तक कुछ नहीं निकला है और उनके मरने के चांस 0.9% चांसेस हैं। इसीलिए यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे 7 points गाइडलाइंस एज पर द पीएम मोदी। हमारे मोदी साहब ने 7 नए गाइडलाइंस दिए हैं लॉकडाउन 2 में, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है स्पेशल केयर ऑफ इल्डरली एंड पर्सन विद प्रीवियस हेल्थ कंडीशन। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जितने भी 18 प्लस एज ग्रुप वाले हैं हमारे सीनियर सिटीजन जो कि 18 प्लस एज ग्रुप के हैं, उनका डेथ रेट जो हो रहा है, डेथ रेट का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो पहला जो पॉइंट है गाइडलाइंस है वो क्या है, स्पेशल केयर करना है इल्डरली पे, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, एंड पर्सन विद प्रीवियस हेल्थ कंडीशंस, मतलब यदि कोई इंसान को पहले से कोई बीमारी हो रखा है तो वैसे लोगों को और बड़े बुजुर्गों को हमें अच्छे से उनका देखभाल करना होगा, तभी वो कोरोना के इस चक्कर से, चक्रव्यूह से निकलेंगे। सेकंड जो है, और एक चीज और, पहले वाले में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्पेन, इटली, फ्रांस में जो मोर्टालिटी, तो स्पेन, इटली, फ्रांस और बाकी दूसरे देशों में भी मरने वाले की संख्या जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां का जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली 18 प्लस या फिर इल्डर लोग हैं। तो उसके लिए इंडिया में वैसे लोग बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को स्पेशल केयर देना है। ऐसा देखा गया है कि 10-15% जो चांसेस है कोरोना से मरने वाले का वो इसी एज ग्रुप वाले लोगों का है, ठीक है। सेकंड जो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, जैसा कि भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो इस वजह से बहुत सारे लोग जहां थे वहीं रह गए और ज्यादा इस रोग को फैलने नहीं दिया गया। ऐसा उम्मीद लगाया गया था
कि जितना दिन कोरोना के आने का जितना दिन अभी तक भारत में हुआ है, जब ये सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो लगभग 8.2 लाख इंडियन पॉपुलेशन इस कोरोना से इफेक्टेड हो सकते थे। यहाँ पे जो मास्क की बात की गई है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ N95 मास्क यूज करना है, हमें डबल लेयर्ड कॉटन मास्क जो कि हैंडमेड हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हम लोगों को मास्क बस लगा करके रखना है ताकि जिस भी इंसान के पास हम जाए पब्लिक के पास तो सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करें, लेकिन जो एयरबोर्न बन चुका है आज कोरोना तो हमारे शरीर में नेसल कैविटी के द्वारा अंदर प्रवेश ना करने पाए। थर्ड जो है इम्प्रूव इम्यूनिटी, मतलब हमें अपने शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको सुधार करने की जरूरत है ना। तो इसके लिए क्या बोला गया कि कोशिश कीजिए कि जब भी पानी पीजिए तो गुनगुना पानी पीजिए, खट्टे फल खाएं जैसे ऑरेंज खाइए, नींबू का रस पीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है हमें अपने हाइजीनिक फूड खाना है, मिल्क लेते रहना है और लगातार एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जैसा कि मोदी जी ने गाइडलाइंस में बताया भी था कि योगा करते रहिए, योग कीजिएगा तो रोग दूर भाग जाएंगे। फोर्थ जो है वो आरोग्य सेतु ऐप है। ये है क्या? आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हमारे फोन का ब्लूटूथ और लोकेशन को ट्रेस करता है और जिससे हमें जिस लोगों से मिल रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां पे कोरोना का क्या है चांसेस बढ़ने का घटने का, वो इस ऐप के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। ऐसा देखा गया रिपोर्ट के हिसाब से कि जब से ये ऐप हमारा आया है प्ले स्टोर में, तब से क्या है जो इसमें 2.1 करोड़ लोग जो हैं इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। और हमें ऐसा पॉइंट में जो गाइडलाइन दिया गया है कि लगभग घर के 50% लोगों के पास ये ऐप्स होना चाहिए। मैंने भी अपने फोन में इस ऐप्स को रखा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस ऐप्स में आपको सारे डिटेल्स देने होते हैं, पर्सनल डिटेल्स, आपका क्या जेंडर है, आपका कहाँ से ट्रैवल किए हैं, नहीं किए हैं, सारा कुछ। तो मैं भी ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ये आरोग्य सेतु ऐप जो है इसको इंस्टॉल करो। नेक्स्ट है हेल्पिंग द पीपल, हेल्पिंग द पुअर। हेल्पिंग द पुअर में क्या आएगा, हेल्पिंग द पुअर में जब से लॉकडाउन हुआ भारत में लगभग 92.8% जो लेबर क्लास लोग थे, यानी कि जो डेली हैंड टू माउथ थे, जो डेली सुबह शाम काम करने वाले लेबर थे, उनकी नौकरी 92.8% लेबर क्लास के लोगों की नौकरी इस लॉकडाउन की वजह से चली गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो लॉकडाउन 2.0 है जो कि 3 मई तक चलने वाला है, तो ऐसा अगर लगातार चलता रहा तो बचे कुचे जो लेबर हैं उनमें से 81% जो है पीपुल वो भी अपने इस नौकरी को खो सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमें ऐसे लोगों को यथासंभव जैसा हम लोग कर सके गरीबों की मदद करें। सिक्स्थ इज रिस्पेक्ट फ्रॉम फ्रंट लाइनर्स। रिस्पेक्ट फ्रंट लाइनर्स मीन्स वैसे लोगों को रिस्पेक्ट करना है जो हमारे लिए 24 घंटा लगे हुए हैं, जैसे कि पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, स्ट्रीट क्लीनर जो होते हैं, जो सड़कों में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, डस्टबिन को इधर से उधर फेंकते हैं, तो इन लोगों को रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं, ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग पुलिस को इज्जत नहीं देते थे पहले और गाली गलौज कर देते, लेकिन अभी जो है ये हमारे भगवान के जैसे है, इन्हें इसीलिए इन्हें हम लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। लास्ट पॉइंट में कहा गया डू नॉट फायर एनी एम्प्लॉय, मतलब कि किसी जो भी इंसान कहीं नौकरी कर रहा है या काम कर रहा है उसको नौकरी से नहीं निकालना है,
क्योंकि यदि आप उसको उसके नौकरी से निकालोगे तो क्या होगा, उसके यहाँ इनकम जो होगा उधर जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, और इस वजह से उसकी गरीबी बढ़ेगी, उसके परेशानी बढ़ेंगे, बीमारी से हैंडल नहीं कर पाएंगे लोग, और बीमार पड़ते जाएंगे, और मृत्यु का दर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये 7 जो पॉइंट गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं वो काफी समझने योग्य है, सराहने योग्य है, और हम सभी को